दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हिमालय को देवों के देव महादेव का स्थान माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि आजकल के इस युग में भी हिमालय अपने भीतर कई रहस्य छुपाए हुए हैं। माना जाता है कि आज भी यहाँ रामायण और महाभारत के कई पात्र रहते हैं, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है किसी को नहीं पता। महाभारत और रामायण काल के कौन से लोग हैं जो आज भी हिमालय में रहते हैं और हिमालय का विस्तार भारत के राज्य हिमाचल, सिक्किम, असम, जम्मू, सियाचिन, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश ने हिमालय में अपनी जड़ें कैसे फैला रखी हैं? तो आइए मित्रों, अब जानते हैं रामायण और महाभारत काल के महापुरुषों के बारे में जो आज भी जीवित हैं। अत्रि ऋषि परम पिता ब्रह्मा के पुत्र थे। उन्होंने कर्दम की पुत्री अनुसुईया से विवाह किया था। चंद्रमा और दुर्वासा उनके पुत्र थे और पौराणिक हिंदू शास्त्रों के अनुसार आज भी ऋषि अत्रि हिमालय में कहीं निवास करते हैं। आप सभी जानते हैं कि ऋषि दुर्वासा भगवान शिव के अंश थे। उनके गुस्से के कई किस्से आज भी लोगों के जहन में जिंदा हैं। देवराज ने अपने सतयुग में इंद्र को कई बार श्राप दिया था। इसके अलावा द्वापर युग में भी भगवान श्री कृष्ण के पुत्र श्याम को भी श्राप मिला था। ऐसा माना जाता है कि वो आज भी जीवित हैं और हिमालय के किसी क्षेत्र में रहते हैं। प्राचीन काल में वशिष्ठ के नाम से कई ऋषि हुए थे। एक वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र थे, दूसरा इक्ष्वाकु के समय में हुआ, तीसरे राजा हरिश्चंद्र के समय में, चौथे राजा दिलीप के समय में, अयोध्या के राजा दशरथ के समय में पांचवें और छठे द्वापर युग में ऐसा भी हुआ था। कहा जाता है कि जो ब्रह्मा जी का पुत्र था वो आज भी जीवित है और उसका निवास स्थान हिमालय के किसी क्षेत्र में बताया गया है। गंधर्व माता और अग्निदेव के पुत्र जामवंत को वृक्षपति के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के समय हुआ था और सतयुग, त्रेता युग और द्वापर में जामवंत जी का वर्णन मिलता है। गिरीश राज जी ने भी भगवान हनुमान की शक्तियों को याद कराया था। इनका नाम चिरंजीवियों में शामिल है और वो कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। कहा जाता है कि वो आज भी हिमालय के किंग पुरुष नामक एक स्थान पर निवास करते हैं। परशुराम श्री हरि के छठवें अवतार हैं। परशुराम जी कली काल के अंत तक अपने ही शरीर में इसी धरती पर रहेंगे। माना जाता है कि कलयुग में परशुराम अपने कल्कि अवतार में भगवान विष्णु को वेदों और शास्त्रों की शिक्षा देंगे। साथ ही वो भगवान शिव की तपस्या करके भगवान कल्कि को दिव्य हथियार प्राप्त करने में भी मदद करेंगे। दोस्तों, भगवान परशुराम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो आज भी हिमालय के महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। भगवान शिव के परम ऋषि मार्कंडेय ने उनकी घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। ऋषि मार्कंडेय ने ही इस महामृत्युंजय जाप को किया और मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी और हमेशा के लिए अमर हो गए। ऋषि मार्कंडेय के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आज भी वो हिमालय की एक गुफा में रहते हैं। अंजनी पुत्र को आजीवित रहने का वरदान मिला था। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कलयुग में हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं और रावण के छोटे भाई विभीषण का भी नाम चिरंजीवियों में आता है और ये भी हिमालय के ही ऐसे क्षेत्र में रहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं महाभारत काल के लोगों के बारे में। ऋषि व्यास, उन्होंने महाभारत पुराणों की रचना की और मान्यताओं के अनुसार वो कई युगों से जीवित है और कलयुग में भगवान कल्कि के अवतार में प्रकट भी होंगे। ऐसा माना जाता है कि वेदव्यास आज भी हिमालय में रहते हैं। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि वो 3000 वर्ष तक स्वशरीर के साथ इसी धरती पर इधर उधर भटकते रहेंगे। अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र से हमला किया था, जिससे उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा हिमालय पर भटक रहे हैं। कृपाचार्य महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ रहे थे और बचे हुए 18 महान योद्धाओं में उनका नाम भी आता है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुल गुरु थे और इनको भी चिरंजीवी का वरदान प्राप्त था। यही वजह है कि वो आज भी हिमालय की एक गुफा में रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।